रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन जनपद के कोट से इस वक्त की बड़ी खबर। जालौन जनपद सहित आसपास के जनपद में जारी है पिछले 40 घंटे से मूसलाधार बारिश। बारिश के कारण कोंच तहसील क्षेत्र के कई गांव आए बाढ़ की चपेट में। पहुज नदी किनारे बसे सलैया बुजुर्ग ग्राम सर्वाधिक प्रभावित। जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार एवं क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र निरंजन ने संयुक्त रूप से किया मौके का निरीक्षण। SDRF की एक कंपनी को बुलाया गया लखनऊ से। सलैया बुजुर्ग गांव में 2 नावों को डाला गया, साथ ही 27 बाढ़ चौकिया को किया गया तैनात। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया राहत कैंप, सभी को राहत कैंप में किया गया शिफ्ट। DM जालौन राजेश कुमार पांडे ने कहा कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, साथ ही जमीनी स्तर पर रखी जा रही है निगरानी। राजघाट और माताटीला बांध से छोड़े गए पानी के बाद हुई बाढ़ की स्थिति। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की खास रिपोर्ट। राजघाट और माताटीला से जो पानी छोड़ा गया है उससे पहुज नदी में जलस्तर एकाएक बढ़ गया है, तो हम लोग चूंकि पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती जिस तरह बारिश हो रही थी, आज यहाँ गांव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है, उनके खाने पीने रहने और चिकित्सा आदि के प्रबंध किए जा रहे हैं, और साथ ही SDRF की जो टीम है हमारी वो भी लखनऊ से रवाना हो गई है। मुश्किल से 3-4 घंटे में यहाँ आ जाएगी। नाव की व्यवस्था कर ली जा रही है ताकि कोई किसी कहीं किसी स्तर पर कठिनाई ना हो। पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, और जो घर गिर गए अभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए उनको अहेतुक सहायता ये जो शासन से जो है वो तुरंत इनको दी जा रही है। तो कुल मिला करके हम लोग इस पर मुस्तैद हैं और नीचे ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोगों की नज़र है। हमारी 27 बाढ़ चौकियाँ जो 81 गाँव हैं इससे आच्छादित हैं, वो प्रभावित होते हैं, उन पर भी हम लोगों ने टीम और अधिकारी तैनात कर दिए हैं और पूरी मुस्तैदी से लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग सतर्क होकर के और भ्रमण करते हुए हर जगह कह रहे हैं कि लोगों को मिनिमम कठिनाई हो। भी जो हमारा राहत कैंप बना हुआ है हम उसकी सुरक्षा पे अपने फोर्स डिप्लाई कर रहे हैं। पहुँच नदी का जो पुल है उसके दूसरी तरफ पानी के प्रेशर से सड़क कट रही है, इस सड़क पे आवागमन रोकने के लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ में SDRF की एक टीम 4 नावों के साथ लखनऊ से रवाना है, वो यहाँ पहुँच जाएगी, और अगर कोई गांव में फंसा है तो हम लोग उसको बाहर निकालने की भी व्यवस्था अपने स्तर से कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम सतर्क हैं और कोई भी जनहान या पशुहान न होने देने के लिए हम कृतसंकल्प। देखिए, निश्चित रूप से पहुज नदी में अत्यधिक बाढ़ है। मैं समझता हूँ इतनी बाढ़ 20 वर्ष से यहाँ सलैया में नहीं आई है पहुज नदी में। उससे बहुत सारे लोगों का, छोटे लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है, कई लोगों के घर भरे हुए हैं, उनका अनाज इत्यादि भी सब बाढ़ में पानी में डूब गया है, जानवर आनवर भी लोगों के डूबे हैं। धीमे धीमे गांव के लोगों के सहयोग से लोगों को निकाला जा रहा है। मौके पर हमारी कोंच SDM साहब, तहसीलदार साहब, CO साहब, सब लोग ये भी मौके पर आ गए हैं। जिन लोगों के घर भर गए हैं उनको स्कूल में और पंचायत भवन में उनकी रुकने की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ नाव की भी व्यवस्था शीघ्र हो रही है, नाव आ रही है जिससे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि बाढ़ है, बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है, उसके कारण से उधर ऊपर कहीं कोई बांध भी खोला गया जिसके कारण से ये इतनी भीषण बाढ़ आई है। निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी जी भी बाढ़ के दौरे में निकले हुए हैं, हमारी SDM साहब, तहसीलदार साहब, CO साहब, मैं स्वयं लोगों को जो भी अधिक से अधिक सहायता हो सकती है उनको सहायता स्वयं दिलाने के लिए प्रशासन भी पूर्ण रूप से तत्पर है। जिनका जो परिवार इसमें हताहत हुए हैं और उनके खाने पीने की, भोजन की क्या व्यवस्था की, उनके रहने की भी व्यवस्था की जा रही है, उनको भोजन की भी तत्काल जो है उनको राशन मुहैया कराया जाएगा और उनको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी, और जो नुकसान हुआ होगा, क्षति हुई होगी, वो SDM साहब, तहसीलदार साहब ने उनका मुआयना भी कर लिया,
तो अधिकतम जो उनको राहत होगी वो पहुंचाई जाएगी। कल्लैया बुजुर्ग में पहुंच नदी में जैसा कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो अभी मेरे द्वारा पूरा चेकिंग की गई है गांव की, जिसमें दो चार गांव हैं जो पानी के दायरे में आ गए हैं, तो उन सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और प्राथमिक विद्यालय यहाँ का और जो ग्राम पंचायत भवन है उनकी साफ सफाई करवा के अच्छे से यहाँ पे सारा उनके रहने की हाइजीनिक व्यवस्था करवा दी गई है। और ऐसे कितने घर हैं मैडम, कितने परिवार जो प्रभावित हुए हैं? ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि लगभग 30 परिवार हैं, जैसे पानी बढ़ेगा तो वो प्रभावित हो जाएंगे, तो हमारी यही पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उन्हें बाहर सुरक्षित करवा दें। खाने पीने के हमने राशन यहाँ पे मंगवा लिया है, जैसे जैसे हमारे यहाँ स्कूल में और ग्राम पंचायत भवन में लोग आएंगे उनको खाने पीने की पानी की हर तरीके की सुविधाएं, दवाई वगैरह हर तरीके की व्यवस्था करवाई जाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बोट बुलवा ली है और कोई भी अगर वैसी कोई समस्या आती है तो गोताखोर और SDRF की टीम हमारी मुस्तैद रहेगी। ऐसा नहीं है, अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं, अभी हमने जांच की है, इसमें कुछ हमें अव्यवस्थाएं मिली हैं, इसको हमने तत्काल अभी हम सही करवा कर ही जाएंगे यहाँ से, और एक दो घंटे में BDO साहब द्वारा आश्वासन दिया है कि पूरी रहने लायक पूरी समुचित व्यवस्था इनके द्वारा करवा दी जाएगी और अभी हम यहीं पे रहे। दादा क्या नाम है आपका? अच्छा दादा, ये आप बाल के पानी से निकाल के ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं? रख रहे हैं मंदिर में डूब रहा है मंदिर। हाँ, जीना भी डूब गया उसका जी, सामान निकाल रहे हैं। तो सामान निकाल के रख रहे हैं, कहाँ ऊंचाई पे ले जा रहे हैं? अच्छा, तो लगभग कितने घंटे हो गए बाल का पानी आए हुए? बाल के पानी आए सुबह 4 बजे से आ गया था, 4 बजे से। तो जब से आप सामान रख रहे हैं आपका? अच्छा, क्या समस्या हो रही है आपको, बाढ़ आ गई आपके गाँव में? मकान चले गए तीन बार। अच्छा, बच्चा थे वो। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रही? अच्छा, कहाँ फंसी थी आप पानी में, कहाँ फंसी थी? नदी में फंसी थी, तो वहाँ से लेके आ रहे हैं आपको? कहाँ, यहाँ ऊंचाई पे आ रही हैं अब? भाई साहब, ये जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।